खबर बिलासपुर से, जहां पर एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद था। 6 वर्षीय बेटी ने इसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी कि पापा ने मम्मी की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति और बेटे को फिलहाल हिरासत में लिया है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम मटियारी की घटना बताई जा रही है। विशाल झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, इस मामले में बेटे की भी गिरफ्तारी की गई है, क्या था पूरा मामला? देखिए, ये मामला सीपत थाना क्षेत्र के मटियारी ग्राम का है और जो बेटी है वो माध्यम है बेसिकली। उसके माध्यम से जानकारी मिली पुलिस को कि उसके उसके मम्मी की हत्या हुई है, माँ की हत्या हुई है। इस कारण से पुलिस अभी पूछताछ के रूप में उसे अपने हिरासत मिली है। लेकिन पूरा मामला जो है वो रंजिश का है, पति पत्नी के विवाद का है और विवाद का रूप ऐसा ले लिया कि पति ने अपनी ही पत्नी पर हमला कर दिया, टंगिया से वार किया है, इसके अलावा लाठी से भी वार किया गया, सिर पर गंभीर चोट आई और मौके पर ही मौत हो गई। विशाल, इसमें बेटे की गिरफ्तारी जो हुई है, क्या बेटे की भी संलिप्तता थी इस वारदात में? जी, बेटे की संलिप्तता की संभावना के आधार पर अभी रखा गया है, उसे हिरासत में लिया गया है कि पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मुख्य रूप से पति को आरोपी माना जा रहा है और सीधे तौर पर उसने कबूल भी लिया है थाने में बैठ के कि ये मामला आपसी रंजिश का है और पति पत्नी में विवाद हुआ, ये चीज क्लियर हो चुका है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। आप देखिए, पति ने पत्नी की हत्या की, इसमें बेटे की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही, जिसकी वजह से उसे भी हिरासत में लिया गया है। और इस पूरी वारदात की सूचना उस बेटी ने दी जो बेटी देख रही थी अपनी मां की हत्या होते हुए।